टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारत के रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले ली। रोहित शर्मा के इस फैसले के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि कौन भारतीय टीम का अगला कप्तान होगा। टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की कप्तानी के रेस में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार का नाम सबसे ऊपर है। और दोस्तों बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच 26 जुलाई से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जिसमें भारत की कप्तानी की रेस में सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या से आगे निकल गए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या हो सकता है 3 प्रमुख कारण जिसके चलते सूर्य कुमार यादव टी20 टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला कारण है आक्रामक बैटिंग। जी हाँ, टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्य कुमार यादव एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनका औसत 43 से ज्यादा है और स्ट्राइक रेट 167 से अधिक है। उन्होंने टी20 में कुल 167 के स्ट्राइक रेट से 4 शतक और 19 अर्धशतक भी लगाए हैं और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी हाई प्रेशर जैसी स्थिति में बहुत काम आती है। और दूसरे कारण की बात करें तो इनका कम अनुभव के बावजूद भी टी20 में बतौर कप्तान इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। भारत की कप्तानी करते हुए सूर्य कुमार ने 7 टी20 में 5 टी20 मैच में जीत हासिल की है। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो 100 टी20 में कुल 1492 रन बनाए हैं, जिनमें उनका औसत सिर्फ 26 का रहा। उन्होंने इस दौरान 4 अर्धशतक भी जड़े हैं। ऑलराउंडर होने के नाते उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में कुल 84 विकेट चटकाए हैं। हार्दिक ने टी20 में भारत की कप्तानी 16 मैचों में की है, जिसमें से उन्होंने 10 में जीत हासिल की है। तीसरा और प्रमुख कारण हो सकता है कोच का समर्थन। भारत के नए हेड कोच गौतम गंभीर की भी सूर्य कुमार यादव कप्तान के रूप में पसंद है और इसको लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं। गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर की कप्तानी के दौरान सूर्य कुमार यादव उसी टीम से खेले थे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे चैनल को। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगली बार मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।